नमस्कार। किस्से और कहानियाँ, बातें और पहेलियाँ, सुनने सुनाने, पढ़ने पढ़ाने, बातें समझदारी की, खबरें दुनियादारी की, मनोरंजन के रंग सब रंग के संग। आज की सब रंग यात्रा हम शुरू करते हैं एक सफर से, और ये सफर है हमारे देश के नए नवेले राज्य उत्तरांचल का। उत्तरांचल जो कि अपनी अनुपम सुंदरता की वजह से देव भूमि भी कहलाता है, पर आज अचानक ये पहाड़ों की सैर। सच पूछो तो ये यात्रा नहीं है, ये एक पत्रकार की छोटी सी कहानी है जो खुद किसी काम से सफर पे निकले हैं। और फिर हर सफर एक कहानी ही होता है जिसमें नई जगहों के साथ हमारी मुलाकात होती है नए लोगों से, जो कुछ हमारी सुनते हैं कुछ अपनी सुनाते हैं। तो शुरू करें, सुनो सुनाएं। अक्सर पहाड़ की कहानी की शुरुआत प्रकृति की सुंदरता और सुहाने सफर से होती है, मगर मेरा सफर सुहाने अफसाने से कोसों दूर था। खचाखच भरी वैन, सड़क के झटके और बीड़ी की बदबू, और हर सेकंड दाएं बाएं घूमती रोड। और तभी एक घूमते मोड़ पर मेरी मुलाकात हुई बचिया से। अचानक मेरे सारे दुख दर्द उसने अपने कंधों पर ले लिए। रास्ते भर बचिया कुछ न कुछ सुनाता रहा, पर जीप के शोर में मेरी समझ में कुछ खास नहीं आया। एक्चुअली मैं कुमाऊं के ऊपर एक फोटो ऐसे यानी चित्र लेख कर रहा था और सुंदर तस्वीरों की तलाश में था। मेरे पास कैमरा और बहुत सारा सामान था जो अब बचिया उठाए हुए था। मैं जागेश्वर जा रहा था, पर रास्ते में एक मंदिर पड़ा। बचिया भी मेरे साथ उतरा और फिर उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। जी धन्यवाद, लाइए अब मैं उठा लूंगा। अब इसमें धन्यवाद की क्या बात हुई साहब, इंसान ही इंसान के काम आने वाला ठहरा। हाँ जी, कह तो आप ठीक ही रहे हैं, लाइए ना मैं उठा लूं। अब आप फिर वैसा ही कर रहे हैं। जी मैं? क्यों हो रही है आपको सामान की इतनी फिकर, उठा तो रखा है मैंने। जी वो तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन मुझे जाना है। तो चलिए। आप चीतई के फोटो लेना है ना आपको, तो चलिए। अच्छे फोटो मिल गए होंगे साहब आपको। हाँ, एक अच्छी थी। जिसे ज्योति तो और अच्छे फोटो आते, खाली घंटे पेड़ पौधे ले लिए आपने। अरे भाई मेरी अभी शादी नहीं हुई है। शादी नहीं हुई है? तब तो गोलजू की और खुशामत कीजिए साहब, जल्दी हो जाएगी। लड़की तो आपने देख ही रखी होगी, उसके माँ बाप को गोलजू बना लेंगे, बहुत पावरफुल देवता ठहरे। गोलजू? पहली बार सुना ये नाम। यहाँ पहाड़ के देवता है, बहुत मानने वाले ठहरे हम इन्हें। अच्छा, तुम्हारे गोलजू जो मांगो वो दे देते हैं? साहब देवता तो श्रद्धा जगाने वाले ठहरे, आदमी विश्वास से काम करे तो फल तो अपने आप मिलने वाला ठहरा। बड़ी ऊंची बात कर दी तुमने। अब मैंने क्या कही, देख रखी हुई है सारी चीजें तो कह रहा हूँ। फिर पहाड़ी जरा सीधे हुए और अनपढ़ भी, और विश्वास और अंधविश्वास में फर्क जरा कठिन है साहब। अब अपने गाँव का एक लड़का था, शादी होती तीन बच्चे हो गए फटाफट, अब कच्ची उम्र में शादी हो जाने वाली हुई हमारे यहाँ। क्या मतलब? अब तीसरा बच्चा एक साल का हुआ, बीवी फिर पेट से हो गई, तबीयत खराब रहने लग गई उसकी। उसने मार मन्नत पूजा पाठ, यहाँ घंटी वहाँ चढ़ावा सब कर दिया, बहुत प्यार हुआ ना बीवी से। लोगों ने बहुत समझाया कि ये सब ठीक है, पर अस्पताल जा किसी ट्रेंड दाई से बच्चा करा, पर उसने तो सब देवी देवताओं पर छोड़ दिया। तीन बेटियां हुई पहले, अब के मन्नत मांग रखी है, कहा बेटा ही होगा। बेटा तो हुआ पर बच्चा नहीं, घर ही में करा दिया सब कुछ उसने, बीवी भी खत्म ही हो गई थी, बड़ी मुश्किल से जान बची उसकी। अब साहब देवता ने तो सब इंतजाम कर रखे, अब कोई खुद ही आंख बंद कर ले तो देवता का क्या दोष। सफर फिर शुरू हुआ, अगली मंजिल थी जागेश्वर। Thank you.
भोले शंकर का ठौर है ये जागेश्वर। हमारे बाप दादाओं को समझ हुई इसके महत्व की। ज्योतिर्लिंग है यहाँ, इसकी मान्यता है। ये हुआ ना, सब मालूम ठहरा आप लोगों को, पढ़े लिखे हुए ना। क्यों, तुम्हें नहीं मालूम था ये सब? अब जानते तो सब कुछ है पर समझ नहीं हुई ना। ऐसे तो कई छोटे मंदिर हैं हमारे यहाँ पर तोड़ फोड़ दिए। क्यों, ये तो गवर्नमेंट के अंडर है। तभी बचा हुआ है, नहीं तो हो गया होता इनका भी। अब जंगलों को ही देख लो, दनादन काट डाले हैं। जिन जंगलों से पानी चारा लकड़ी मिलने वाली हुई उन्हें ही नहीं छोड़ा, तो फिर क्या धरोहर, किसकी धरोहर? ऐसे ही ठहरा यहाँ। अरे दो चाय देना हो, साहब पकौड़ी और रायता मंगवाऊं, फेमस हुई यहाँ की। रहने दो यार, कहीं पेट खराब हो गया तो? कैसा पेट हुआ आपका, 20 रुपए का पानी पीने वाले हुए फिर भी हर वक्त पेट का रोना। अरे क्या लगा दिया तूने, बंद कर इसे, कुछ समझ है तुझे? जो मर्जी आ लगा दिया। बैठो बच्चे, बैठो बैठो, क्यों भड़क रहे हो? बात ही ऐसी हुई साहब, बिना अकल के नकल हुई बस। गाना सुनने में कोई बुराई नहीं पर आंखों में पट्टी बांध कर बंदर बनना तो गलत ही हुआ। बंदर? कौन बंदर, कैसा बंदर? नकलची बंदर साहब। अब हमारे गांव का एक आदमी था, मशकबीन बजाने वाला एक ही बचा था। बहुत कहा उसने अपने लड़के से सीख ले पर उसने एक नहीं सुनी अपने बाप की। अपनी हर चीज बुरी लगने वाली हुई उसे, शहर भाग गया। अब वहां भी क्या करता, अनपढ़ को कौन साफ बनाएगा। बर्तन मांजने लगा एक होटल में। इधर 2-3 लड़कों ने उसके बाप से ट्रेनिंग ली, इंग्लैंड पेरिस घुमाए और सरकार की तरफ से वजीफा भी मिला। बहुत अफसोस हुआ उसके लड़के को पर जब तक अकल आई बाप चल बसा, बस बर्तन ही मलता रह गया। अपनी चीज की कीमत समझनी चाहिए साहब। अच्छा आपको दिखाऊं अपने पहाड़ की असली कला? क्या, चलिए। हाँ हाँ हाँ, ये हुआ साहब हमारे कुमाऊं का लोक नृत्य, इसे हम लोग छोलिया नृत्य कहते हैं। हमारी संस्कृति तो यही ठहरी साहब, फिल्मी गाने हम क्या जाने। तभी तो मुझे गुस्सा आया ठहरा। जानते हैं साहब, जब हम पहाड़ी लोग दुल्हन बिहाने जाते हैं तो ये छोलिया लोग ही हमारी बारात का बैंड होता है। आहा कितना मधुर है ये दृश्य। परली जा चपल के लाचे यसा। नमस्कार ओ बचिदाजू, नमस्कार। हाय, तुम तो नाराज हरोजा हो, के बात? जाजा तू घरू जा यार, जा। आज सबू सामने तुम हमू के डांटनो छा? तू जा छ ने घरू, नंतर हाड़ तू सावा। अच्छा अच्छा बचिदाजू, भाग घरू, जानू चल, जानू चल। कौन था ये? शराबी है और कौन, ऐसी मरेगा शराब पी पी कर। जेब में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। क्या क्या बोला तुमने? बोलना क्या हुआ, अब कोई सज्जन आदमी हो तो उसके बारे में बताया भी जाए। ये दिन दहाड़े शराब, विनाश काले विपरीत बुद्धि। शराब ने खत्म कर दिया हो पहाड़ों को। मेरे गांव का एक आदमी था, सब बिक गया शराब में, जमीन जायदाद बीवी के जेवर तक नहीं छोड़े हो। बीवी चली गई अपने बच्चों को लेकर अपने बौजू के घर। बौजू? अरे बौजू से मतलब पिताजी, पापा, डैडी, फादर, कुछ भी कह दो हो, मतलब तो बौजू से ही ठहरा कि नहीं। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ बीवी चली गई और फिर ऐसे के साथ कौन जिंदगी काटेगा। सच में हो साहब, शराब ने दशा बिगाड़ दी इन पहाड़ों की। कुमाऊं का सफर कामयाब रहा और हर जगह हर पल साथ रहा बचिया और उसके किस्से कहानी। फिर एक दिन जाने का समय आ गया। अरे कहाँ रह गए थे बचिया, बस छूटने में सिर्फ 20 मिनट हैं। वो क्या है साहब, मैं मिठाई लेने चला गया था, ये लो। ये क्या,
ये बाल मिठाई है साहब, हमारे यहाँ की मशहूर मिठाई। वो रौतेला की दुकान मल्ली बाजार में है ना, थोड़ी चढ़ाई पड़ती है इसलिए आने में देर हो गई। थैंक यू यार, अब मुझे भी तुम्हें कुछ देना है। नहीं नहीं नहीं, रहने दीजिए साहब, पैसे के लिए थोड़ी रहा मैं आपके साथ। अरे रख लो, तुम भी मेरी ओर से रौतेला की बाल मिठाई खरीद लेना। नहीं 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 ना, रहने दीजिए। ठीक है, चलता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। ये मेरा कार्ड है, कभी दिल्ली आओ तो मिलना जरूर। ये क्या बच्ची? कुछ नहीं साहब, अब विदाई के टाइम थोड़ा बुरा तो लगता ही है ना। बचिया, एक बात कहूं? जी साहब। तुम भी मेरे साथ दिल्ली क्यों नहीं चलते? वैसे भी पहाड़ की कितनी सारी चीजें तुम्हें पसंद नहीं है, तुम मेरे साथ दिल्ली चलो, वहीं तुम्हारी नौकरी भी लगवा दूंगा। नहीं साहब, मैं पहाड़ छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, और फिर आंख बंद करने से बुराई खत्म तो नहीं हो जाती है। लेकिन बचिया। साहब, मेरी जड़ें हैं यहाँ इन पहाड़ों में, इनकी सारी अच्छाई बुराई मेरा ही हिस्सा हुई। वो जो मैंने आपको उस आदमी का किस्सा सुनाया था जिसने अंधविश्वास में फंसकर अपना बेटा खो दिया था, और वो जिसने अपने बाप से कुछ नहीं सीखा, सिर्फ शहर में बर्तन मांजता रह गया, और वो जिसने शराब के चक्कर में अपना घर बर्बाद कर लिया, याद है आपको? हाँ हाँ याद है। वो अलग अलग आदमी नहीं है, वो मैं ही हूँ। मैं अपनी ही कहानी सुनाता रहा आपको। अपनी कहानी? लेकिन तुमने तो कहा था कि शराब में फंसकर तुम बर्बाद हो गए थे। बर्बाद ही हो गया था, लेकिन फिर हमारे गांव की औरतों ने शराब के खिलाफ मोर्चा खड़ा कर दिया, सारे ठेके बंद करवा दिए। उन्हीं की मदद से थोड़े दिन अस्पताल में भी रहा। फिर भी कुछ बताया नहीं? कुछ छिपाया भी तो नहीं साहब। अच्छा, तो फिर अब आजकल क्या करते हैं? उन्हीं औरतों को देखकर मेरे मन में भी पढ़ने लिखने का जोश उठा, सेंटर जाने लगा, पढ़ लिख गया। अब उसी सेंटर में अपने जैसे लोगों को पढ़ाने लगा। हाय, ये क्या, मेरा फोटो क्यों ले लिया, मुझे कौन देखेगा? दोस्त, इस यात्रा की सबसे सुंदर तस्वीर तुम ही तो हो। मैं तो बचिया की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। हम समस्याओं से भाग नहीं सकते, अगर कुछ देर के लिए हम उन्हें भुला भी दें तो कभी न कभी वो फिर हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। तो समस्याओं से बचने का एक ही उपाय है। वो क्या? समस्याओं को हल करना, और बड़ी से बड़ी समस्या भी साथ मिलकर जागरूकता और समझदारी से हल की जा सकती है। यूं तो कई बार हम सोचते हैं कि एक आदमी के प्रयास से क्या होगा, मगर हमें भूलना नहीं चाहिए, बूंद बूंद से ही सागर बनता है। अब हमारे कार्यक्रम को ही ले लीजिए, इसमें हमने आपको कई ऐसी खबरें सुनाई जहाँ सिर्फ एक आदमी के प्रयास से पूरे गाँव में साक्षरता आंदोलन चल पड़ा। तो जरूरत है सिर्फ पहले कदम की, फिर तो कारवां खुद ब खुद आगे बढ़ जाता है। और अगर आपको कहीं ऐसे प्रयासों की खबर मिले तो हमें बताना ना भूलेगा, हमारा सबरंग परिवार भी आपकी कामयाबी में शामिल होना चाहेगा। और अब बारी है ज्ञान विज्ञान की, मतलब ये जानने की आखिर होता है ऐसा क्यों? ओफो, चाय तो बिल्कुल ठंडी हो गई। अच्छा हुआ। क्या मतलब? मतलब ये कि अब आप हमें बता सकते हैं कि चाय क्यों ठंडी होती है। ताकि हम इसे जल्दी पी लें। ऊष्मा यानी गर्मी हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ बहती है। चाय के मुकाबले उसके आसपास का वातावरण काफ़ी ठंडा है, इसीलिए चाय की ऊष्मा आसपास के वातावरण में बह जाती है। ठीक इसका उल्टा होता है आइसक्रीम के साथ, जो बाहर पड़े पड़े पिघल जाती है। ओ, अब समझ में आया। जब बाहर का वातावरण ठंडा हो जाता है तो हमारे शरीर की गर्मी उस वातावरण की तरफ बहती है और हमें ठंड लगती है। बिल्कुल। लेकिन फिर ऊनी कपड़े पहनने से ठंड क्यों नहीं लगती? अच्छा सवाल पूछा आपने। जब हम कोई भी कपड़ा पहनते हैं तो हमारे शरीर और कपड़े के बीच एक हवा की परत बन जाती है, जो हमारे शरीर से ऊष्मा के बहाव को बाहर तक जाने से रोकती है। इसी के कारण हम ठंड से बच जाते हैं। और जब वो कपड़ा ऊन का होता है तो ऊन भी ऊष्मा के बहाव में रुकावट पैदा करता है। और इसी सिद्धांत पर थर्मस भी काम करता है, तभी तो थर्मस में रखी चाय देर तक गर्म रहती है। और इतना ही नहीं, बर्फ की सिल्लियों को बोरियों में बांधकर रखने के पीछे भी यही वजह है। एक और मजेदार बात, क्या कभी आपने सोचा है कि ठंड लगने पर इंसान और जानवर सिकुड़ते क्यों हैं? चलिए आप ही बता दीजिए। ये एक गिलास है और ये एक भगोना, मान लीजिए दोनों में ही गर्म पानी रखा हो तो किसमें पानी जल्दी ठंडा होगा? जाहिर है भगोने का पानी जल्दी ठंडा होगा, क्योंकि भगोने का तल ज्यादा चौड़ा है और गिलास का कम। और इसी सिद्धांत पे हमारा दिमाग और शरीर दोनों काम करते हैं। सिकुड़ने से बाहरी वातावरण से हमारे शरीर के सतह का संपर्क कम हो जाता है और हमें कम ठंड लगती है।
गौर करने वाली बात यह है कि हमें सिकुड़ने के लिए कभी सोचना नहीं पड़ता। ठंड लगने पर हमारा शरीर खुद बखुद ही सिकुड़ जाता है। चलिए मैं अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ। पूछिए। क्या आप बता सकती हैं कि फ्रिज में रखी चीजें ठंडी क्यों रहती हैं? जरा सोचिए, होता है ऐसा क्यों? कभी कभी लगता है कि क्या इस जीवन में आदमी को अपने हर सवाल का जवाब मिल सकता है। हम जितना इस प्रकृति को, इस संसार को जानने की कोशिश करते हैं, उतने ही हमारे सवालों का विस्तार होता जाता है। एक सवाल का हल तो मिलता है, पर उसके साथ ही कई और सवाल, कई और अनजाने पहलू खड़े हो जाते हैं। और एक बार फिर आदमी चुनौतियों को स्वीकार करता है और एक नई खोज पर निकल पड़ता है। इसी तरह एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ता हुआ आदमी आज प्रगति और विकास के नए कगार पर खड़ा हुआ है। जिस तरह से ज्ञान विज्ञान की खोज कभी खत्म नहीं होती, उसी तरह से सुंदरता की यात्रा का भी कोई अंत नहीं है। प्रकृति ने इतने रंगों से इस धरती को सजाया है कि हर सफर नया सा लगता है। तो चलिए एक और नए सफर पर चलते हैं, यानी सैर सपाटा। मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी विदिशा, जो अपने में समेटे हुए है भारत के प्राचीन कालीन इतिहास को। कहा जाता है कि ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में सम्राट अशोक की पत्नी देवी ने इस नगर की नींव रखी। उदयगिरी की गुफाएं, जो कि लगभग 2.5 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैली हैं, चौथी से दसवीं शताब्दी के मध्य यहां इन पहाड़ियों पर उकेरी, मूर्तिकला, वैष्णव और शैव धर्म की प्रतीक है। प्रतिहार कालीन माला देवी का मंदिर 11वीं शताब्दी की मूर्तिकला एवं स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना है, जिसके द्वार में गंगा और यमुना की मूर्तियां उकेरी गई हैं। जैन, यक्ष, यक्षिणी तथा तीर्थंकरों की उत्कृष्ट मूर्तियां इस मंदिर की शोभा बढ़ाते हैं। बेतवा नदी के किनारे पर बना है चरण तीर्थ मंदिर। इस मंदिर के विषय में मान्यता है कि अपने 14 वर्ष के वनवास के समय राम और लक्ष्मण यहां आए, जहां उनके चरण पड़े वहीं इस चरण तीर्थ मंदिर की स्थापना हुई। बीजा मंडल स्मारक 11वीं शताब्दी में ही विदिशा के राजा नरवर्मन देव ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। यूनान के राजदूत हेलोडोरस ने इस स्तंभ का निर्माण करवाया। हेलोडोरस ने अपने भारत प्रवास के समय बाद में वैष्णव धर्म को अपना लिया। सचमुच हमारे अतीत का दर्पण है विदिशा की ये प्राचीन नगरी। घूमने फिरने के बाद अब वक्त है समाचार समझदार का। समाचार में हम देखेंगे देश भर में चल रहे साक्षरता आंदोलन की नई खबरें, और समझदार में हम सुनेंगे समझदार सिंह की समझदारी। तो शुरू करें समाचार समझदार। साक्षरता समाचार में आज पहली खबर राजस्थान से, अजमेर जिले का करकेड़ी गांव, जहां ये महिलाएं इकट्ठा हुई हैं गोष्ठी के लिए। जी हां, महिला जागरण हतई। इस महिला जागरण हतई में इन नव साक्षर महिलाओं ने सरकार द्वारा महिलाओं को दी जाने वाली सहायता और योजनाओं को लेकर आपस में बातचीत की। आज पढ़ लिख कर ये महिलाएं सरकार द्वारा दी जाने वाली बहुत सी योजनाओं के बारे में जानने लगी हैं। पारिवारिक सहायता, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, आज ये महिलाएं खुद भी स्वयं सहायता समूह चला रही हैं। गांव में ही एक आखर सेनानी भी हैं, श्री कन्हैया लाल मालाकार। आज अपने ही घर में साक्षरता केंद्र चलाते हैं और लोक गीतों को साक्षरता के बोल देकर साक्षरता का प्रचार गांव-गांव में कर रहे हैं। साक्षरता को पर्यावरण से जोड़ते हुए इन्होंने प्रत्येक नव साक्षर को पौधे भी बांटे हैं। अगली खबर उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्र कुमाऊं से, जिसकी गोद में बसा है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जिले को आज 100% साक्षर होने का गौरव भी हासिल है, पर ये यात्रा यहीं पर समाप्त नहीं हुई। सिर्फ अपना नाम लिख लेना ही साक्षरता नहीं है, ये संदेश आज जन जन तक पहुंचा रहे हैं यहाँ के साक्षरता कर्मी। फिर माध्यम कुछ भी क्यों ना हो, पढ़ने पढ़ाने का या फिर गीत, नाटक, लोक कलाओं का, साक्षरता को आज यहाँ पर्यावरण से भी बड़ी खूबसूरती के साथ जोड़ा है। घर की जिम्मेदारियों से समय निकाल कर आज पहाड़ की महिलाएं भी साक्षरता केंद्र में आकर पढ़ने लगी हैं।
जहां इन्हें व्यवसायिक शिक्षा भी दी जा रही है ताकि इनका आने वाला कल सुंदर और खूबसूरत हो। आज ये नव साक्षर महिलाएं गांव के सुधार की बातों पर विचार विमर्श भी करने लगी हैं। इनमें साक्षरता के प्रति रुचि बनाए रखने के लिए रंगोली, गुड़िया बनाना जैसी प्रतियोगिताएं भी समय समय पर करवाई जाती हैं। साक्षरता ने आज इनके जीवन को जीने की एक नई सोच दी है। और अब एक नजर झलकियों पर। मध्य प्रदेश का भोपाल शहर, जहां निषाद बेगम आज महिलाओं के लिए ओरिएंटल कला एवं सेवा केंद्र चला रही हैं। यहां भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ित निरक्षर महिलाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण के साथ साथ साक्षर भी किया जाता है, ताकि कल ये महिलाएं किसी की मोहताज न हो। लद्दाख के इस तगमो गाँव में साक्षरता को जन आंदोलन का रूप दे रही हैं एक सच्ची साक्षर कर्मी झंडू। जहां लद्दाख की महिलाएं साक्षरता केंद्र में आने से कतराती थीं, वहीं आज झंडू की मेहनत और सच्ची लगन से ये लद्दाख की महिलाएं केंद्र में आकर पढ़ने लगी हैं। बर्फ का रेगिस्तान कहे जाने वाला लद्दाख का ये स्तगमो गांव, जहां झंडू के प्रयासों से आज साक्षरता के स्वर गूंज रहे हैं। जयपुर के सांगानेर जिले की आशा शर्मा को अपने निरक्षर होने का एहसास तब हुआ जब उनके बच्चे स्कूल जाने लगे। आशा ने सेंटर जाना शुरू किया। सेंटर में पढ़ने के साथ साथ आशा कशीदाकारी का काम भी सीख रही हैं। आशा आज ये समझ चुकी हैं कि बिना अक्षर ज्ञान के जीवन निरर्थक है। अब पेश है हमारे विशेष संवाददाता समझदार सिंह की एक रिपोर्ट। मारे गांव में एक है सपेरा लाल। अरे यू तो नाम के सपेरे हैं, अरे इनकी बीन पर साफ तो के किसी के कान पर जू तक नहीं रेंगती। फिल्मी सपेरा। आज जब मैं घर से बाहर निकला तो मेरे कानों में बीन की टूटी फूटी धुन सुनाई दी। मैं समझ गया कि सपेरा लाल आसपास में कुंडली जमाए बैठा है। मैंने भाई इधर उधर नजर दौड़ाई तो क्या देखा, पड़ोस के मकान में भीड़ लगी देखी। मैं वहां पहुंचा, वहां पहुंच के देखा तो नजारा कुछ और ही। सांप की टोकरी की जगह पलटू लेटा हुआ था और सपेरा लाल लगा भीड़ फुक्कड़ में। मैंने अपने बगल में खड़े आदमी से पूछा, भाई साहब यू सपेरा लाल इस आदमी ने के सब बनावेगा। वो गुस्से से बोला, शर्म नहीं आती, किसी की जान जा रही और तन्ने मजाक सूझ रहा है। अरे यू सपेरा लाल इस आदमी का बीन से जहर उतार रहा है। मारा माथा ठनका, सांप काटे का इलाज बीन से। अरे फिल्म देख, फिल्म। फिल्म? भाई यू सांप काटे का इलाज का फिल्म से क्या संबंध? भाई यू बात भी को हजम ना हुई। अरे जो हाई लेवल की बातें हैं, अमरीश पुरी ने जानता है, अपने ही खानदान का है। उसने कई इच्छाधारी नागिनों को श्रीदेवी बनाया है। अब साइड हो जा, काम के वक्त बताया कर। भाई हाई लेवल की बात सुनकर मैं तो हो गया एक साइड। बीन की धुन पर सांप तो लौटा नहीं, यमराज जरूर आ गए। मर गया बेचारा मरीज। समझदार सिंह जी, अरे सपेरा लाल जी, ये बीन पर मातम की धुन जो भी कोई फिल्म का। फिल्म मत देखियो समझदार सिंह जी, ये बीन पर फिल्मी साहब ही वापिस आते हैं। हकीकत तो भाई कुछ और ही है। सो तो दिख ही रहा भाई, सांप काटे के कुछ लक्षण हो गए हैं। पर फिल्म में तो। अरे छोड़ फिल्मी चक्कर और सुन काम की बात। सांप के काटने पर मरीज को घबराने ना दे, और जिस जगह सांप ने काटा है उसे हिलाए मत। साफ चाकू से सांप की काटे वाली जगह पर 1 सेंटीमीटर लंबा, 0.5 सेंटीमीटर गहरा चीरा लगा दें, और जिस जगह सांप ने काटा है उसके ऊपर कपड़ा बांध दें। उल्टी हो तो मरीज को करवट से लिटा दें और मरीज को तुरंत पास के स्वास्थ्य केंद्र में ले जाएं। भाई सपेरा लाल तो इस बात को इतनी अच्छी तरह समझ गया कि उसने अपना नाम और काम दोनों ही बदल डाले। भाई आप लोग भी सांप के काटने पर इन बातों को ध्यान में रखें। मैं समझदारपुर से समझदार सिंह। अनपढ़ लोगों के घर जाकर उन्हें पढ़ाएंगे, गांव हमारा हमको प्यारा साक्षर इसे बनाएंगे। ज्ञान कोश है हाथ हमारे, साक्षरता की कुंजी है, मूल मंत्र है स्वतंत्रता का, स्वावलंबन की पूंजी है। इस तरह की कई कविताएं और ढेर सारे पत्र हमें मिल रहे हैं और इन पत्रों से हमारा हौसला और भी बढ़ रहा है। तो आप भी हमें पत्र लिखना ना भूलिएगा। हमारा पता है सबरंग, पीओ बॉक्स 3848, नई दिल्ली 110049। तो हमें रहेगा आपके पत्रों का इंतजार। नमस्कार, नमस्कार।